दिव्य भव्य दर्शन बागेश्वर धाम। आप देख सकते हैं काफिला, काफिला भी एक ऐसा कि आज के पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। देखें धाम से 3 किलोमीटर दूर आप देख सकते हैं ये नज़ारा दिव्य भव्य। वो अपने स्थान पर पहुंच गए। सीताराम बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। यहाँ जो बैरिकेडिंग है ये टूट गई, यहाँ चोट लग जाएगी। हमारी प्रार्थना है आप लोग ऐसे आ जाओ, अभी यहाँ व्यवस्था बनाओ और जो यहाँ मंच के सामने पुलिस व्यवस्था की ड्यूटी लगी थी, या तो आप उपस्थित हो जाए या फिर आप मना कर दें तो हम व्यवस्था अपनी बना लेंगे। दो बार माइक से एसडीओपी साहब ने भी, जज साहब ने भी कहा था, तो जिनकी भी ड्यूटी लगी थी मंच के सामने, तो अगर पुलिस प्रशासन के किसी भी अधिकारी के पास कान में आवाज पहुंच गई आप बोले, क्योंकि वहां पर बहुत लोगों को चोट लग रही है बैरिकेडिंग टूटने के कारण, और आप लोग तोड़े ना, सबको हम मिल रहे ना, बैठे हैं अभी, उठे तो नहीं ना। और दूसरी बात, बालक में लगी प्रकाश का बेटा अपनी नानी चंदा देवी के साथ में आया है, डेरा में रहता है, तो उनकी नानी के कानों में आवाज आ रही है, मिल गई ना, ये पहुंचा दीजिए, चाहिए मंदिर पर जो सेवादार यहाँ आ गए, मंदिर से भाग कर 2 मिनट के अंदर आप लोग मंदिर पहुंच जाओ। मंदिर पर दिक्कत हो रही है, एनसीसी के बच्चों को वहां भेज दो, हम यहां पुलिस प्रशासन को ले लेते हैं, तो एनसीसी के जो बच्चे यहां सेवा में लगे वो मंदिर पहुंच जाएं, क्योंकि वहां भी लाखों लोग पहुंच गए मंदिर पर। यहां हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करके उनसे व्यवस्था बनवाते हैं, और आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। पागलो, एक बच्चा इनको कहां ले जा रहे हैं, लोकेश अभिनंदन मिला है, और अभिनंदन के संपूर्ण परिवार में कैसे हो अभिनंदन, ठीक हो, चलो चॉकलेट यूपी हो बबुआ जी सबको खूब खूब आशीर्वाद पागलो। अब तुम उनमें खूब डांस करो, नहीं बढ़िया भजन से, अरे भाई साहब तुम हर वे जो तुम गुब्बारों में प्रकट हो जाते हैं, इनको हम क्या करें आगे की लगी भाई, थोड़ा जाओ, देख एक एक करके आना।